गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, सिट डाउन प्लीज। हाउ आर यू बेटा? अच्छा, ऑल आर गुड। ओके, अच्छा बेटा, आप लोगों में कौन कौन इंग्लिश में बात कर ले रहा है? हैंड्स अप प्लीज। अच्छा, सब लोग बात कर ले रहे हैं। ओके, अच्छा किससे बात कर रहे हैं? अच्छा मैडम से कर ले रहे हैं। और अच्छा अपने दोस्तों से कर ले रहे हैं। और अच्छा प्रिंसिपल मैम से भी कर ले रहे हैं। चलो बेटा ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग इसी तरह से रेगुलर बात करते रहिए। ओके, आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है पता है? अच्छा, यानी कि कल जो पढ़े थे उसी के बाद वाला चैप्टर पढ़ना है। ओके, चलो देखते हैं बेटा। कल हम लोग पढ़े थे बेटा, बिटवीन। बिटवीन का हिंदी अर्थ मैंने बताया था के बीच में, यही बताया था ना? अच्छा सबको याद है। ओके, और पढ़े थे बेटा हम लोग व्हाट कम्स प्लस क्वेश्चन मार्क, इसका हिंदी मैंने क्या बताया था? अच्छा क्या आता है। ओके, इसका हिंदी अर्थ मैंने बताया था क्या आता है। ओके, आज हम लोग को पढ़ना है बेटा व्हाट कम प्लस क्वेश्चन मार्क, इसका हिंदी अर्थ निकलता है बेटा क्या क्या आता है। समझ आ रही है सबको? अच्छा सबको समझ में आ रही है, यानी कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं बिटवीन का प्रयोग और व्हाट कम्स का प्रयोग। आज हम लोग को पढ़ना है व्हाट कम, यानी कि क्या क्या आता है। अच्छा यही पढ़ना है। चलो बेटा, अब अगर आपसे कोई पूछे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ओके, अच्छा ये काउंटिंग है। ओके, इसी पर आपसे कोई पूछ सकता है कि वन और फाइव के बीच में क्या क्या आता है, तो कैसे जवाब देंगे? अच्छा सबको पता है क्या आता है, यानी कि टू आता है, थ्री आता है और फोर आता है, वन और फाइव के बीच में। तो इसको हम गोला में घेर देंगे ताकि याद रहेगा, है ना? अच्छा याद हो गया। ओके चलो अच्छी बात है। फिर कोई आपसे पूछ दे कि सिक्स और टेन के बीच में क्या क्या आता है, तो क्या बताएंगे? बताएंगे बेटा कि सेवन आता है, एट आता है, नाइन आता है। अच्छा सबको पता चल रहा है। ओके, इसका मतलब आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, है ना? अच्छा सब लोग रेगुलर करते हैं। चलो बेटा, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये बुक नंबर वन में चैप्टर नंबर 58 में अवेलेबल है। अच्छा आप लोग पढ़ते हैं, चलो बेटा, लेकिन अगर ये बुक जब ख़त्म हो जाएगी तो अगली बुक भी पढ़ेंगे, तभी तो फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि ऐप पर एक बुक नहीं है बल्कि पांच बुक अवेलेबल है। अच्छा सब आप लोग पढ़िएगा, ओके, लेकिन आप लोग वन बाई वन करके पढ़ेंगे, है ना बेटा? चलो इस चैप्टर को खोले ना। अच्छा मैं प्रैक्टिकल कराऊं खोलकर। ओके बेटा, चलो बेटा ध्यान दो, हम लोग यही चैप्टर पढ़ रहे थे ना, व्हाट कम। क्या हिंदी मैंने क्या बताया था? क्या क्या आता है, यही चैप्टर था ना? अच्छा बिल्कुल यही चैप्टर था। ओके, यहां कह रहे बेटा कि बोलकर पढ़िए। कैसे पढ़ना है? अच्छा बोलकर पढ़ेंगे तभी फ्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे, है ना? चलो बेटा ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट कम,
यानी कि क्या क्या आता है, करे कि बिटवीन यानी कि के बीच में, किसके बीच में, करे कि वन एंड फाइव, यानी कि वन एंड फाइव के बीच में क्या क्या आता है। अच्छा, सबको पता है, चलो तो आंसर देंगे टू थ्री एंड फोर कम बिटवीन वन एंड फाइव। समझ में आ रही सबको? अच्छा, सबको समझ में आ रही बेटा। इस पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। चलो बेटा, अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि व्हाट कम यानी कि क्या क्या आता है, करे कि बिटवीन के बीच में, करे कि सिक्स एंड टेन, यानी कि सिक्स और टेन के बीच में क्या क्या आता है। अच्छा, सबको मालूम है, तो कहेंगे कि सेवन एट एंड नाइन कम यानी कि आता है बिटवीन यानी कि के बीच में, किसके बीच में, सिक्स एंड टेन, यानी कि सिक्स और टेन के बीच में सेवन आता है, एट आता है एंड नाइन आता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है बेटा कि व्हाट कम यानी कि क्या क्या आता है, करे कि बिटवीन के बीच में, करे कि फोर एंड नाइन, फोर और नाइन के बीच में क्या क्या आता है। तो कैसे बोलेंगे बेटा? अच्छा, आप लोग बोल लेंगे, ओके, इसका मतलब आप लोग काफी एक्सपर्ट हो चुके हैं ना। कहेंगे बेटा कि फाइव सिक्स सेवन एंड एट कम बिटवीन फोर एंड नाइन। समझ पा रही सबको? अच्छा, सबको समझ पा रही है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन कर रहा है बेटा कि व्हाट कम यानी कि क्या क्या आता है, करे कि बिटवीन थ्री एंड सिक्स, थ्री और सिक्स के बीच में क्या क्या आता है। तो बोलेंगे बेटा फोर एंड फाइव कम बिटवीन थ्री एंड सिक्स, बोल लेंगे आप लोग? अच्छा, सब लोग बोल लेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन कर रहा है बेटा कि व्हाट कम क्या क्या आता है, करे कि बिटवीन जीरो एंड सिक्स, जीरो और सिक्स के बीच में क्या क्या आता है। अच्छा, सबको पता है, ओके, तो क्या बोलेंगे बेटा? कहेंगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव कम बिटवीन जीरो एंड सिक्स, बोल लेंगे आप लोग? अच्छा, आप लोग फ्राटेदार बात कर लेंगे। चलो बेटा, अच्छी बात है, इसमें आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी दिया है। जैसे आप लोग देख सकते हो बेटा, यहां कह रहा है कि ट्राई योरसेल्फ नाउ, यानी कि अब आपको खुद से प्रयास करना है। करेंगे? अच्छा, सब लोग करेंगे, ओके। देखो बेटा, क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट कम यानी कि क्या क्या आता है, करे कि बिटवीन टू एंड सिक्स, टू और सिक्स के बीच में क्या क्या आता है उसको बोलना है, बोलेंगे? अच्छा, सब लोग बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है बेटा, करे कि व्हाट कम यानी कि क्या क्या आता है बिटवीन फोर एंड सेवन, यानी कि फोर और सेवन के बीच में क्या क्या आता है उसको हम बोलेंगे। करे कि व्हाट कम बिटवीन थ्री एंड नाइन, थ्री और नाइन के बीच में क्या क्या आता है। अच्छा, आप लोग बोल लेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा कि व्हाट कम बिटवीन सेवन एंड टेन, यानी कि सेवन और टेन के बीच में क्या क्या आता है। बहुत क्वेश्चन है बेटा, देखो, करे कि व्हाट कम बिटवीन टेन एंड थर्टीन, टेन और थर्टीन के बीच में क्या क्या आता है, बोल लेंगे ना आप लोग? अच्छा, सब लोग बोल लेंगे।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट कम बिटवीन 15 एंड 20, 15 और 20 के बीच में क्या क्या आता है। अच्छा, इस पर भी बात कर लेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, करे कि व्हाट कम बिटवीन 95 एंड 100, यानी कि 95 और 100 के बीच में क्या क्या आता है, बोल लेंगे सब लोग। अच्छा, सब लोग बोल लेंगे। ओके चलो बेटा, अब यहाँ पर खासकर मैडम लोगों से, अभिभावकों से, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी कंसेप्ट आपको समझ में आ रही हो कि कैसे मैं बच्चों को मैथमेटिकल स्पोकन सिखा रहा हूँ, तो आप जो है बच्चों को पेयर में लगा दीजिए, एक बच्चे को इधर से और एक बच्चे को इधर से, और बात करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, व्हाट कम बिटवीन 5 एंड 10, व्हाट कम बिटवीन 10 एंड 15, व्हाट कम बिटवीन 20 एंड 30, व्हाट कम बिटवीन 0 एंड 5। इस तरह से अगर बच्चा बात करेगा तो नर्सरी LKG UKG से ही बच्चा फ्रेटदार इंग्लिश में बात करना शुरू कर देगा, और स्कूल में बच्चों की कमी तो है नहीं, बच्चों को पेयर लगाइए, बात करवाइए। अगर कोई अभिभावक है उसके यहाँ 2 बच्चे हैं तो बात करें, अगर जो है 2 बच्चे नहीं है तो खुद से बात करें, तब जो है बच्चा जाकर प्रैक्टिकल और नेचुरल इंग्लिश बोलना शुरू करेगा। ओके, और मेरी कंसेप्ट आपको 100% समझ में आ गई हो तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अगर कोई दुश्मन है तो किसी से कहलवा दीजिए और कहिए कि प्ले स्टोर पर जाए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड करे, वो खुद इंग्लिश सीखे और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाए, क्योंकि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। और कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, सीखेंगे ना बेटा आप लोग? अच्छा, सब लोग सीखेंगे। ओके बेटा, कल हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू।